हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने किया था सिमिलर ट्रायंगल्स की कुछ थ्योरम, बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आज हम कर रहे हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पिछले में किया था हमने पाइथागोरस थ्योरम, एक्यूट एंगल थ्योरम, ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम, जो पाइथागोरस थ्योरम से ही रिलेटेड है। आज हम कर रहे हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो देखें, पाइथागोरस थ्योरम क्या था कि ए बी सी राइट एंगल है, राइट एंगल एट बी, देन प्रूव क्या करना था, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। इट मींस राइट एंगल की अपोजिट साइड का स्क्वेयर अदर टू साइड के स्क्वेयर के सम के इक्वल है। आज इसका कन्वर्स, इट मींस इसका उल्टा, इट मींस इसमें ये गिवन होगा ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, देन हमें प्रूव करना है कि एंगल बी इज राइट एंगल। तो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करें, पी क्यू आर एस ट्रायंगल, आपने राइट एंगल ट्रायंगल ले ली, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल एट क्यू, सच दैट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। अब आएंगे राइट एंगल ट्रायंगल में पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या थी कि राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल की अपोजिट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन वन बोल दिया। अब ये पी आर स्क्वेयर है, ये आपने प्रूव किया है, और यहां पे क्या है, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ये गिवन है। तो इन दोनों में क्या हम कंबाइन करेंगे कि हमें पता है कि ए बी इक्वल टू पी क्यू है, ए बी इक्वल टू पी क्यू है, तो पी क्यू की जगह ए बी लिख सकते हैं ए बी स्क्वेयर, प्लस क्यू आर की जगह हम बी सी लिख सकते हैं बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी आर स्क्वेयर। ये होगी सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में क्या देखा हमने, राइट हैंड साइड इक्वल है ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी, सो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी आर स्क्वेयर, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी आर स्क्वेयर, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी आर स्क्वेयर है इक्वल है, देन ए सी इज ऑल्सो इक्वल टू पी आर, इसका स्क्वेयर रूट ले लेंगे हम, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, ए सी पी आर के इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू आपने कंस्ट्रक्शन किया था, एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर ये भी आपने कंस्ट्रक्ट किया था, देन ए सी इज इक्वल टू पी आर ये आपने प्रूव किया है। इट मीन्स क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल की तीनों कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल है, इट मीन्स बाई ट्रिपल एस कोंग्रेंसी। इट मीन्स क्या है कि जब दो ट्रायंगल में तीनों कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल कोंग्रेंट होंगी, और कोंग्रेंट होंगी तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स आर सेम, देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल क्यू कितना आपका राइट एंगल, ये बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी मीन्स कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, एंगल क्यू 90 है तो बी भी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये आपका प्रूव हो गया कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इट मीन्स जिस ट्रायंगल में किसी एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, इट मीन्स उस साइड का अपोजिट एंगल 90 डिग्री होगा। ये था आपका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट वन, इसी बेस पे हम करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है कि ए बी सी कोई ट्रायंगल है, उसमें किसी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाता है, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी।
कि पी और क्यू क्या है, ए बी और ए सी दो साइड के मिड पॉइंट है, और जब किसी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाता है तो वो लाइन थर्ड वन साइड के पैरेलल होगी और थर्ड वन साइड का हाफ होगी। ये प्रूव करेंगे हम। देखो एपी अपॉन एबी कितना हो गया, एपी अपॉन एबी इक्वल टू 1/2, क्यों, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, एबी का पी मिड पॉइंट है तो एपी अपॉन एबी हो गया 1/2। इसी प्रकार ए क्यू अपॉन ए सी कितना हो गया 1/2। सिमिलरली क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्यू ए सी का मिड पॉइंट है तो ए क्यू अपॉन ए सी कितना हो गया 1/2। इट मीन्स क्या हो गया कि पी क्यू एक लाइन है दो, जो क्या कर रही है, ए बी और ए सी ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, कल हमने किया था कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या था, जब कोई लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो थर्ड वन के वो पैरेलल होगी, पी क्यू पैरेलल बी सी, पी क्यू बी सी के पैरेलल होगी। अब इसी प्रकार कि पी क्यू बी सी का हाफ होगी, कैसे, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए बी सी क्या है, ए पी अपॉन ए बी इजक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी, जो किसके इक्वल है 1/2 के इक्वल है दोनों। इट मींस क्या हो गया, दो ट्रायंगल के अंदर दो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम है एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल ए है वो एंगल ए के इक्वल है, क्यों, कॉमन है। इट मींस क्या हो गया कि दो ट्रायंगल में दो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम है और एक एंगल सेम है। इट मींस भाई एस ए एस सिमिलरिटीज, बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम, पी क्यू अपॉन बी सी, पी क्यू की कोरस्पोंडिंग साइड कौन है बी सी, और ए पी अपॉन ए बी, पी क्यू अपॉन बी सी इक्वल टू ए पी अपॉन ए बी, कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा एंड ए पी अपॉन ए बी कितना है 1/2। इट मीन्स पी क्यू अपॉन बी सी इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 एंड पी क्यू इज इक्वल टू, ये इधर आके मल्टीप्लाई में हाफ ऑफ बी सी, पी क्यू है वो बी सी का हाफ होगा। तो ये थी आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। इट मीन्स किसी ट्रायंगल के अंदर किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी और थर्ड साइड का हाफ होगी। इसी से रिलेटेड हम करते हैं एक नेक्स्ट थ्योरम कि किसी भी ट्रायंगल के मीडियन एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करते हैं। मीडियन आर डिवाइड टू इटसेल्फ इन 2:1 ratio। जैसे कि देखिए एडी एंड बीई आर मीडियन, एडी और बीई मीडियन है, हमें प्रूव करना है कि ये एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो मीडियन क्या होता है, ट्रायंगल में वन वर्टेक्स से ड्रॉ की गई लाइन जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, इट मींस अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करती है, तो वो क्या हो गया, मीडियन हो गया। एडी मीडियन है, इट मींस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी बीसी का मिड पॉइंट होगा। इसी प्रकार बीई मीडियन है तो ई क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ एसी। हमें प्रूव करना है, जैसे दोनों मीडियन एक दूसरे को ओ पर कट कर रहे हैं, हमें प्रूव करना है एओ अपॉन ओडी इज इक्वल टू 2:1। इट मींस एओ रेशियो ओडी 2:1। तो कैसे करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं हम, ओई के पैरेलल डी ऑफ एक लाइन ड्रॉ की, OE के पैरेलल DF एक लाइन ड्रॉ की है। तो अब हम जाएंगे इन ट्रायंगल BCE, इन ट्रायंगल BCE इसमें क्या है, DF पैरेलल टू BE। आपने कंस्ट्रक्शन किया है कि DF OE के पैरेलल है तो DF BE के भी पैरेलल होगा। इट मींस D इज द मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट है
और डी एफ पैरेलल है बीई के, डी एफ पैरेलल टू बीई, तो वो ही हम यूज करेंगे कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर किसी साइड के कोई लाइन पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं बाय बीपीटी। इट मींस सी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू सी एफ अपॉन सी ई। सी डी अपॉन बी सी कितना है? सी डी अपॉन बी सी इज 1/2। क्यों? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी का डी मिड पॉइंट है, तो सी डी अपॉन बी सी कितना होगा? 1/2। इसी प्रकार ये हो जाएगा सी एफ अपॉन सी इज इक्वल टू 1/2, देन सी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी ई, कि सी एफ सी ई का हाफ है। इट मीन्स सी ई अगर 2x है तो ये x होगा और ये भी x, ई एफ भी x है, सी एफ भी x है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं किसी ट्रायंगल के अंदर एक साइड के मिड पॉइंट से थर्ड साइड के लाइन पैरेलल ड्रॉ की जाती है तो वो अदर साइड्स को बाइसेक्ट ही करेगी। इट मींस जैसे ये एक ट्रायंगल है, ए बी साइड का मिड पॉइंट है पी और बी सी के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ए सी को ये बाइसेक्ट करेगी, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ये हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों इक्वल हैं। अब ए ई कितना होगा? बीई क्या है? मीडियन है, मीडियन है बीई, तो ई ए सी का मिड पॉइंट है, ई ए सी का मिड पॉइंट है, तो सीई इक्वल है ए ई। सीई कितना है आपका? 2x, तो ए ई भी कितना होगा आपका? 2x। अब आ जाओ इन ट्रायंगल ए डी एफ, इन ट्रायंगल ए डी एफ, ए डी एफ ट्रायंगल में क्या है? ओ ई पैरेलल टू डी एफ, ओ ई है वो डी एफ के पैरेलल है, आपने कंस्ट्रक्शन किया था। इट मींस बाई बी पी टी, जब किसी ट्रायंगल में एक साइड के कोई लाइन पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ए ओ अपॉन ओ डी, ए ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई एफ, ए ई अपॉन ई एफ। सो ये हो गया ए ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई एफ। कितना है ए ई? कितना आपका? 2x, और ई एफ कितना है? x, तो ये हो गया 2x बाई x, x से x कैंसिल, सो ए ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल टू 2/1। इट मीन्स ए ओ रेशियो ओ डी इज इक्वल टू 2:1। ये आपका प्रूव हो गया कि किसी भी ट्रायंगल में मीडियन एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखें, देखेगा कि एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी इज ए ट्रायंगल, तीनों वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ की जो एक दूसरे को ओ पर मिलती हैं। अब ये देखिएगा कि एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है, इस प्रकार किया है कि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड आर मिड पॉइंट ऑफ ओ सी, कि पी क्यू आर एस है मिड पॉइंट ऑफ ए बी ए सी ओ सी एंड ओ बी। इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेटरल मिला है उसको हमें प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। प्रूव करना है आपको पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, तो हम वही यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी
पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, कि पी और क्यू है वो दो साइड ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है। और हमने मिड पॉइंट थ्योरम में क्या सीखा था कि नहीं, दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी और थर्ड साइड का हाफ होगी। तो पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ बी सी। पी क्यू बी सी के पैरेलल भी होगी और पी क्यू बी सी का हाफ होगी, इसको बोल दो इक्वेशन वन। नाउ इन ट्रायंगल ओ बी सी एस एंड आर, एस एंड आर द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी एंड ओ सी, कि एस और आर हैं वो ओ बी और ओ सी के मिड पॉइंट है, वो ही थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, कि किन्हीं ट्रायंगल के अंदर किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, थर्ड साइड का हाफ होगी। एस आर इज पैरेलल टू बी सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ बी सी, इसी इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या देखा आपने, कि बी सी पी क्यू के भी पैरेलल है और बी सी एस आर के भी पैरेलल है, बी सी पी क्यू के पैरेलल है और बी सी एस आर के पैरेलल है। इट मीन्स पी क्यू और एस आर भी क्या होंगे, पैरेलल। पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड हाफ ऑफ बी सी पी क्यू, हाफ ऑफ बी सी एस आर, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, पी क्यू इक्वल एस आर। ये क्या प्रूव कर दिया आपने कि पी क्यू एस आर के पैरेलल है और पी क्यू एस आर के इक्वल भी है। इट मीन्स किसी भी क्वाड्रेटर में अपोजिट साइड का वन पेयर इक्वल और पैरेलल हो तो वो क्या होते हैं, पैरेललोग्राम। सो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट, एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी इज ए ट्रायंगल एंड एडी इज मीडियन, इट मींस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। इसको आपने प्रोड्यूस किया बी ई, आपने ड्रॉ किया है जो AD को O पर इंटरसेक्ट करता है। अब AD को प्रोड्यूस किया आपने, AD को प्रोड्यूस किया सच दैट OD इज इक्वल टू DG, इट मींस D इज द मिड पॉइंट ऑफ OG। ये पॉइंट ऑफ है कि क्या गिवन है, ABC इज ए ट्रायंगल इन विच D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D है वो BC का मिड पॉइंट है एंड AD इज प्रोड्यूस सच दैट OD इज इक्वल टू DG, कि OD DG के इक्वल है। प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है AO अपॉन AG इज इक्वल टू AF अपॉन AB, नंबर वन। और नंबर सेकंड में प्रूव करना है कि FE इज पैरेलल टू BC, कि FE है वो BC के पैरेलल होगी। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आओ क्वालेटर बी जी सी ओ में, इन क्वालेटर बी जी सी ओ क्या देखा आपने, किसमें, इस क्वालेटर में ओ जी और बी सी दो डायगनल है, दोनों डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। और किसी भी क्वालेटर में दोनों डायगनल बाइसेक्ट करें तो इट मींस वो क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम होगा। इन क्वालेटर बी जी सी ओ, बी सी एंड ओ जी आर
diagonal which are bisect to each other, which are bisect to each other, कि BC और OG दो diagonal हैं, इस quadrilateral में दोनों diagonal एक दूसरे को bisect करते हैं, it means क्या हो जाएगा, BGCO is a parallelogram, कि किसी भी quadrilateral के diagonal bisect करते हैं एक दूसरे को, तो it means वो एक parallelogram होगा, ये parallelogram हो गया, तो parallelogram की opposite side क्या होती हैं, parallel होती हैं, BO parallel to GC and OC parallel to BG. ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये लाइन इसके, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं. अब इसी प्रकार आ जाओ इन ट्रायंगल ABG, इन ट्रायंगल ABG. इसमें क्या देखा आपने? OC BG के पैरेलल हैं, आपने प्रूव किया है. क्यों? क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है. तो अब C भी क्या होगा? BG के पैरेलल. अब C पैरेलल टू BG. ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी. और FO इज आल्सो पैरेलल टू BG. FO इज पैरेलल टू BG. कि ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल होगी या नहीं होगी? और FO BG के पैरेलल है, तो इट मींस क्या है? By BBT, कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के कोई लाइन पैरेलल है, तो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी. AO अपॉन AG इज इक्वल टू AF अपॉन AB. ये कैसे लिखा हम निकल आपको बताया था, यहां पे ये लाइन इसके पैरेलल है, तो आपने लिखा AO अपॉन AG, ऊपर अपर पार्ट, तो इधर भी अपर पार्ट क्या है? AF. नीचे क्या लिखा आपने? AG, जो क्या है? कंप्लीट साइड. तो यहां पे कंप्लीट साइड क्या होगी? AB लिखा. तो पहला पार्ट तो आपने ये प्रूव करना था, ये हो गया. AO अपॉन AG इज इक्वल टू AF अपॉन AB. इसको आप इक्वेशन बोल दें, इक्वेशन वन, क्योंकि सेकंड में आपको प्रूव करना है AF पैरेलल टू BC. अब इसी प्रकार यहां पे आ जाओ, इन ट्रायंगल AGC, इन ट्रायंगल AGC, इसमें भी क्या होगा? ये लाइन इसके पैरेलल है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड, तो ये भी इसके पैरेलल होगी. OE पैरेलल टू GC, OE पैरेलल टू GC. तो बाय BBT यूज करेंगे हम, कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के कोई लाइन पैरेलल है, तो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी. AO अपॉन AG, AO अपॉन AG इज इक्वल टू AE अपॉन AC, AE अपॉन AC. ये होगी इक्वेशन सेकंड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, AO अपॉन AG, AO अपॉन AG, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी. AF अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC. ये क्या प्रूव हो गया? देखें, AF अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC. इट मींस इन ट्रायंगल ABC AF एक लाइन है जो दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है. तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT क्या था? कि किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो थर्ड वन के पैरेलल होगी. सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, AF E पैरेलल टू BC, AF E पैरेलल टू BC, यही आपको प्रूव करना था. नेक्स्ट, कि ABC एक ट्रायंगल है, ABC जे ट्रायंगल, ये O पॉइंट है, इसमें दे रखा है कि PQRS
इज ए पैरेललोग्राम, कि पी क्यू आर एस है वो पैरेललोग्राम है एंड पी एस पैरेलल टू ए बी, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है और पी एस ए बी के पैरेलल है, प्रूव करना आपको, ये गिवन है, प्रूव करना है आपको ओ सी पैरेलल टू एस आर, ये आपको प्रूव करना है। कैसे करेंगे, देखो इसमें ये दे रखा है कि पी एस पैरेलल टू ए बी, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, पी एस पैरेलल टू ए बी, पी एस पैरेलल टू ए बी, कि किसी ट्रायंगल में एक साइड के कोई लाइन पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ओ एस अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ पी अपॉन ओ ए एंड पी एस अपॉन ए बी। ये वाला यूज करना है इसमें कि ओ ए बी एक ट्रायंगल है, पी एस ए बी के पैरेलल है, तो हम यूज करेंगे कि ये पी एस यूज हो, पी एस को यूज करना है तो पी एस और ए बी का रेशियो लेंगे, तो पी एस अपॉन ए बी क्या होगा, ओ एस अपॉन ओ बी, कंप्लीट साइड का रेशियो होगा, इसको इक्वेशन वन बोल दिया आपने। अब आ जाओ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में क्या है, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है ये दे रखा है, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं, तो क्यू आर है वो पी एस के इक्वल भी है और पैरेलल, पी एस ऑलरेडी ए बी के पैरेलल है, तो इट मींस क्यू आर ए बी के पैरेलल होगी, क्यू आर पैरेलल टू ए बी, क्यू आर ए बी के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा, सी आर अपॉन बी सी इजक्वल टू क्यू आर अपॉन ए बी, ये होगी इक्वेशन सेकंड। देखो ए बी सी ट्रायंगल में क्यू आर ए बी के पैरेलल है तो सी आर अपॉन बी सी इजक्वल टू क्यू आर अपॉन ए बी, आप यू भी यूज कर सकते हैं, ये समझ में नहीं आया कि रेशो कहां से आया, आर सी क्यू और ए बी सी ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे दोनों को सिमिलर दिखाओ, सिमिलर हैं तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम, सिमिलर कैसे दिखाएंगे, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाते और ये एंगल कॉमन बाय एंगल एंगल सिमिलरिटीज से। अब आपने ये दो इक्वेशन प्रूव की हैं तो इसमें देखो क्या चीज सेम है, इक्वल है या कॉमन है, यहां पे देखा आपने ए बी ए बी, ये कुछ मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अपर पार्ट है पी एस और क्यू आर, पी एस और क्यू आर ये इक्वल तो नहीं है, लेकिन ये क्या है पी एस और क्यू आर, पी एस और क्यू आर पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, पी एस इक्वल है क्यू आर, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पी एस क्यू आर के इक्वल है और ए बी दोनों में कॉमन है, इट मीन्स ये पार्ट राइट हैंड साइड इसकी इक्वल होगी, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी, ओ एस अपॉन ओ बी इजक्वल टू सी आर अपॉन बी सी, ये क्या होगा, ओ एस अपॉन ओ बी इजक्वल टू सी आर अपॉन बी सी, इट मीन्स एस आर है वो ओ बी और बी सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो बाई कन्वर्स ऑफ, कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कि किसी ट्रायंगल में कोई लाइन दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो थर्ड वन के पैरेलल होगी, एस आर पैरेलल टू ओ सी, ये आपको प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। आज हमने कुछ थ्योरम की हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए हैं, इनमें कोई डाउट हो तो इनको रिवाइज करें और पिछली वीडियो में जाएं, पिछली वीडियो में जाएं, उनसे रिलेटेड थ्योरम है जो कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं और कुछ आगे करेंगे इन्हीं से रिलेटेड, तो आपको अच्छे से करना है।